तो लास्ट में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो देख रहे थे रूल्स, कहां तक हो गए थे? रूल नंबर 11 कंप्लीट, 12, 13, 14 तक कंप्लीट हो गए थे। ओके ठीक है, चलो 14 वाले एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि वो कंसेप्ट जो रहेगा वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 के कुछ एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आज का एग्जांपल नंबर 1, दो चार छ आठ दस, राइट नाउ इसका नॉमेनक्लेचर। एक मिनट का समय आपके पास है, स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है? स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा है? ओके ठीक है, चलो एक मिनट का समय आपके पास है इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए। महावीर ओके, सौरभ ओके, आई थिंक बोथ आर करेक्ट, सौरभ महावीर दिया ओके गुड, पिना आधा नाम हुआ बेटा तो पूरा नाम नहीं हुआ, पिना प्रियांश ओके ठीक है गुड, महावीर सौरभ दिया और प्रियांश, इनका आंसर सही है। अब तक चार ही लोगों का आंसर आया है, रीमा शायद गलत है बेटा, पीना गलत है, देवांशी ओके सही है, अंकिता करेक्ट, देव रावल गलत है बेटा, वासुधंधो किया गलत है, सोलंकी राहुल सही है। ओके चलो अब देखते हैं नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 1 में हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन इसका नाम क्या आना चाहिए। ठीक है, पहले इसका हम लोग कंडेंस फॉर्मूला बनाते हैं, सो दैट इज CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH attached to CH2, this is CH2, this is CH2 and CH3, okay, आ गया? ना, यहाँ से एक चैन है, that is CH2 attached to CH,
attends to CH3 attends to CH3. ओके, तो स्ट्रक्चर पूरा हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हुआ है इसमें पैरेंट चेन देखेंगे कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 कार्बन की एक चेन पॉसिबल है, 10 कार्बन की एक चेन पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 कार्बन की जो चेन पॉसिबल है ये लॉन्गेस्ट चेन है, और ये लॉन्गेस्ट चेन होने की वजह से दिस चेन इज कंसीडर्ड एज अ पैरेंट चेन, दिस चेन इज कंसीडर्ड एज अ पैरेंट चेन। तो इसका जो नाम रहेगा ये होना चाहिए डेके, क्या होना चाहिए डेके, हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन ये आता है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, राइट साइड से आएंगे तो 6 नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 5 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, तो 5 कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड में जाएंगे तो नंबरिंग सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे मेजर सब्स्टिट्यूएंट और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे माइनर सब्स्टिट्यूएंट, सो दिस विल बी द मेजर सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस विल बी द माइनर सब्स्टिट्यूएंट। मेजर सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो डायरेक्टली अटैच रहेगा, और जो डायरेक्टली अटैच है उसी कार्बन से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3, हो गया। और इसका जो नाम रहेगा ये रहेगा मिथाइल, और मेजर का नाम रहेगा प्रोपाइल, मेजर का नाम रहेगा प्रोपाइल, समझ में आ रहा है, तो मेजर का नाम क्या रहेगा और माइनर का नाम क्या रहेगा, लिखने के टाइम पे पहले हम लोग मेजर का नाम लिखेंगे तो ये रहेगा प्रोपाइल, प्रोपाइल के साथ कौन प्रेजेंट है, मिथाइल, तो मिथाइल और प्रोपाइल के बीच में कोई बैक गैप नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं रहेगा। ये जो मिथाइल है ये कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है, ये मिथाइल प्रोपाइल को अटैच्ड है, तो ये मिथाइल प्रोपाइल को कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, ये सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये रहेगा 2-methyl propyl, इसका नाम रहेगा 2-methyl propyl, और ये 2-methyl propyl ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, और जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको हमेशा क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब मुझे बताइए ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये पैरेंट चेन को कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, 5, तो यहां पे रहेगा 5-2-methyl propyl, एन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 है, तो इसका नाम रहेगा डेके, सो दिस इज द कंप्लीट नोमेनक्लेचर। यहां तक क्लियर है, ठीक है, ओके। नंबर टू कंटिन्यू करो, नंबर टू के लिए 30 seconds ओनली।
ठीक है ओके चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। इसका कंडेंस फॉर्मूला CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 this is CH attached to CH3 here attached to CH2 attached to CH3 ठीक है। सो दिस इज द कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या करना है, पहले इसमें देखना है लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की पॉसिबल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 कार्बन के 3 चेन पॉसिबल है। 9 कार्बन के 3 चेन पॉसिबल है। If 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ओनली 1 होगा। If हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम इसको पैरेंट चेन करते हैं, If हम इसको पैरेंट चेन कंसीडर करते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने रहेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। If हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम इसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे 3। If 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा 1। तो बोलो हम 1 सब्स्टिट्यूएंट वाले को पैरेंट चेन कंसीडर करें या हम लोग 3 सब्स्टिट्यूएंट वाले को पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूएंट वाले को पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे या 3 सब्स्टिट्यूएंट वाले को पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे, तो हमारे हिसाब से वो पैरेंट चेन होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से 3 सब्स्टिट्यूएंट जहां पे प्रेजेंट है वो होना चाहिए पैरेंट चेन। ठीक है, तो हमने इसको पैरेंट चेन माना है। सो दिस इज आवर पैरेंट चेन। ओके, अब ये देखेंगे इस पैरेंट चेन में क्या होगा, इस पैरेंट चेन में क्या होगा। पटेल अंजनी एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बोनेटर 9 है तो इसका नाम रहेगा नोनेम, इसका नाम रहेगा नोनेम। क्वेश्चन इज दैट नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें, हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये 3 नंबर पे आएगा, 3 4 5 3 4 5 दीज आर द 3 लोकल्स। इफ हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 6 7 दिस इज 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो भी हाँ सही, आप यहाँ से ये करो या तो यहाँ से ये करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से करोगे डाउन तक तो भी सेम ही नाम रहेगा और आप राइट साइड से करोगे तो भी सेम ही रहेगा, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके साहिल दिया, आप दोनों साइड से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सेम ही नाम रहेगा। ठीक है, अब तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है हो गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम है मिथाइल और इसका पोजीशन है 3, तो ये रहेगा 3-methyl। इसको हम देखेंगे सो दिस विल बी 4-ethyl। इफ हम इसको देखेंगे तो इसका नाम रहेगा 5-butyl। क्या रहेगा, 5-butyl। अब बोलो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्यूटाइल, तो इसका नाम होना चाहिए 5-butyl-, उसके बाद कौन आएगा, इथाइल, 4-ethyl-, 3-methyl, पैरेंट चेन का नाम नोनेम,
सो दिस इज पैरेंट चेन, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज लोकंट, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज लोकंट, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज लोकंट। क्लियर? सही है। ओके, आप लोगों ने क्या किया पता है क्या, जैसे ही आपको ये ब्रांच वाला दिख गया तो आपने मन के मन ये मान लिया कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, और आपने जब मन के मन ये मान ही लिया है कि यही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो आपने नॉमेनक्लेचर भी उसी हिसाब से किया, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर देखा था तो सबने सेम मिस्टेक किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऋषि आपके साइड से मिस्टेक हुआ कि मेरे साइड से? ऋषि मिस्टेक आपके साइड से हुआ या मेरे साइड से? ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम यही किया कि आपको जहां पे ब्रांच दिख रहा है उसको आपने कॉम्प्लेक्स मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना है, पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो, उसको समझो, और उसके बाद देखो कि आपको किसको पैरेंट चेन कंसीडर करना है। क्लियर है? आयुषी, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले ये डिसाइड करो कि पैरेंट चेन कौन सा है। जब आपने पैरेंट चेन डिसाइड कर लिया है तो पैरेंट चेन डिसाइड होने के बाद ये देखो कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, और फिर देखो ऐसा कोई है क्या जिस सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इफ ऐसा है देन ओनली वो ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो पहले पैरेंट चेन सिलेक्ट करो, क्योंकि जब तक आप पैरेंट चेन कंसीडर नहीं करोगे, जब तक आप पैरेंट चेन कंसीडर नहीं करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है। क्लियर? ओके है। चलो इसको सॉल्व कीजिए। नंबर थ्री, ये थ्री सब्स्टिट्यूएंट वाला ही है पटेल नंदिनी, ये थ्री सब्स्टिट्यूएंट वाला ही है। चलो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी। नंबर थ्री, पहली बात क्या ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पैरेंट चेन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वाली ये एक पैरेंट चेन है और ये एक पैरेंट चेन है। इफ हम इसको एज अ पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। कैसे पता चला? देखो पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 कार्बन की पैरेंट चेन है जिसके ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन की दूसरी पैरेंट चेन है जिसके ऊपर 1 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है।
सही है। तो इसका मतलब इसके पास पैरेंट चेन जो रहेगी उस पैरेंट चेन के पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये ऐसा एग्जांपल है जिसके पास पैरेंट चेन वासु बेटा ब्यूटाइन और इथाइन दोनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्यूटाइन और इथाइल इन दोनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्यूटाइल, तो पहले आप ब्यूटाइल का नाम लिखो बाद में इथाइल का, ओके। वो पैरेंट चेन की वजह से पता चलेगा मुकर, हाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 कार्बन की पैरेंट चेन इसको सिलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक ही रहेगा, और इफ ये पैरेंट चेन है तो सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे भी 10 कार्बन की चेन पॉसिबल है जिसमें 1, 2 और 3 रहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ऋषभ। इसका नाम क्या होना चाहिए, 5-ब्यूटाइल 1, 2, 3, 4, 5 5-ब्यूटाइल 3-इथाइल 3-मिथाइल डेकेन। तो इस नाम में किसी को डाउट है, इस नाम में किसी को डाउट है, 5-ब्यूटाइल 3-इथाइल 3-मिथाइल डेकेन ये किसी को डाउट है तो ठीक है, जरा आगे चलते हैं। क्लियर, ओके, चलो इसको चेंज कर दिया, अब करो इसका नॉमिनेशन, अब इसका नॉमिनेशन करो, खोला ऑनलाइन हो, ग्रेसी, तो अब हम लोग दोनों को साथ में लिखेंगे, जब दोनों सेम पोजीशन पे रहेंगे, इथाइल और मिथाइल दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल और मिथाइल दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है और इसीलिए दोनों का पोजीशन अलग अलग लिखना पड़ेगा। अलग आंसर्स नहीं आ रहे आपके, I am waiting for answers. चलो पहले इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से कंडेंस फॉर्मूला बनाते हैं, CH3 attached to CH2 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 attached to CH3 this will be CH
attends to C, attends to CH2, attends to CH3, attends to CH3, attends to CH2, attends to CH3. क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? कंपेयर कर लो, एक दो तीन चार सी एच टू, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार सी एच टू, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, सो दिस विल बी सी एच टू, सही है? ओके, अब देखते हैं पैरेंट चेन कितने पॉसिबल है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस का एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, सही है। तो मैक्सिमम कितने कार्बन का चेन आ रहा है, मैक्सिमम कितने कार्बन का पैरेंट चेन आ रहा है, दस या ग्यारह? दस वाले भी है और ग्यारह वाले भी है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा रहेंगे उसी को हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे। सो मेरे हिसाब से दिस विल बी अ पैरेंट चेन, दिस विल बी पैरेंट चेन, नाम रखिएगा अंडे के, नाम क्या रहेगा, अंडे, यहां तक सही है। अब इफ हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं तो क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छ, हम राइट साइड से करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ, दोनों साइड से नंबरिंग सेम है, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, किसी भी साइड से कर सकते हो, सो दिस विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन, हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब देखो हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे और उस साइड में नंबरिंग करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, मैक्सिमम कितने पॉसिबल है, मैक्सिमम कितने कार्बन पॉसिबल है, यहाँ पे कितने हैं, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, मैक्सिमम कितने चेन पॉसिबल है, कितने कार्बन पॉसिबल है, चार, तो आप दो तीन चार, सही है। अब क्या हुआ, इफ हम इसको मेजर सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, इफ हम इसको मेजर सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं तो इस मेजर सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होना चाहिए, इस मेजर सब्स्टिट्यूएंट का नाम होना चाहिए ब्यूटाइल, क्या होना चाहिए, ब्यूटाइल, तो मेजर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा ब्यूटाइल। इस ब्यूटाइल के ऊपर कौन प्रेजेंट है, मिथाइल और इथाइल, ये दोनों किसका काम करेंगे, ये दोनों किसका काम करेंगे, ये दोनों के दोनों माइनर सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, माइनर सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसका नाम रहेगा मिथाइल और इसका नाम रहेगा इथाइल, समझ में आ रहा है, मिथाइल और इथाइल, मिथाइल का पोजीशन है टू और इथाइल का पोजीशन भी टू है, तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे ब्यूटाइल का, ये हमारा मेजर सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है, मेजर सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद माइनर में दो है मिथाइल और इथाइल, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, माइनर में मिथाइल इथाइल दोनों है, पहले किसका नाम लिखेंगे, इथाइल, तो यहाँ देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों के दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं, इफ दोनों के दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो दोनों की नंबरिंग अलग अलग लिखनी होगी, फिर से बोल रहा हूं मैं, इफ ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है तो दोनों का नाम अलग अलग लिखना होगा और दोनों का नंबरिंग भी अलग अलग करना होगा। इन केस ये दोनों के दोनों सेम होते तो दोनों को साथ में लिखते हैं और दोनों का नंबरिंग भी साथ में करते, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हो रहे हैं और इसीलिए
दोनों डिफरेंट है इसीलिए हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो ये रहेगा टू इथाइल डैश टू मिथाइल ब्यूटाइल, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे सिक्स, तो ये रहेगा सिक्स डैश टू इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइल, और पैरेंट चेन का नाम है अनडेकेन। सो दिस इज द कंप्लीट नोमेनक्लेचर। देखो दीक्षिता, टू इथाइल टू मिथाइल है, थ्री मिथाइल नहीं है, ये मिथाइल और इथाइल दोनों सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है दीक्षिता, ठीक है, ओके। ग्रेसी दिक्कत हो रही है और इसीलिए हमने इसको स्लोली देख रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं। ब्यूटाइल के नीचे लिखा हुआ है मेजर सब्स्टिट्यूएंट, ये है माइनर सब्स्टिट्यूएंट और ये है माइनर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, देखो भले ही बोर्ड का मतलब ये 11 का है, 11 का एग्जाम होगा या नहीं होगा वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन ये हम जो 11th में पढ़ते हैं ये 12th में काम में आता है। अभी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सब कुछ यही पढ़ा दूंगा तो 12th में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि ये 11 का है तो आगे जाके हमको क्या करना है, 11 का है तो नहीं पढ़ेंगे, 11 का है तो भी पढ़ना है। ठीक है सर, मिथाइल और इथाइल थर्ड कार्बन पे नहीं होगा, नहीं देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, देखो CH2 अटैच टू C, देखो CH2 अटैच टू C, अटैच टू CH3, अटैच टू CH2 CH3, CH2 CH3, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, क्रिमा। तो यहाँ पे मिथाइल और इथाइल दोनों सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है, देखो पहले माइनर का नाम आएगा उसके बाद मेजर का आएगा। देखो पैरेंट चेन के पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का जब नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली माइनर को देखना है, मेजर का नाम हमेशा लास्ट में आएगा क्योंकि वो बड़ा है, तो जिसका नाम ज्यादा है बड़ा है वो हमेशा लास्ट में आएगा, बंदर। ठीक है, यहां तक ओके है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट खत्म करते हैं यहीं पे या प्रैक्टिस करनी है? कॉम्प्लेक्स में दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो दिक्कत आगे नहीं आएगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत देगा लेकिन आगे सब क्लियर हो जाएगा। नंबर 4, चलो उधर शुरू, नेक्स्ट वन, कुछ लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कुछ लोगों के आंसर्स नहीं आ रहे, ठीक है, ओके। नंबर 5,
ज्यादा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा फास्ट करो। कॉम्प्लेक्स रहेगा कि नहीं रहेगा वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको डिसाइड करना है। पटेल अंकिता, शायद गलत है, बट पटेल अंकिता थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपसे। क्या हुआ, दिक्कत आ रही है? चलो CH3 here CH attached to CH3। क्या स्ट्रक्चर सही है देख लो एक बार, क्या स्ट्रक्चर सही है? ठीक है चलो कार्बन आइटम ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैक्सिमम कितने कार्बन का है, मैक्सिमम कितने कार्बन का है, मैक्सिमम कितने कार्बन का है? ट्वेल्व। ठीक है सो दिस विल बी पैरेंट चेन, दिस विल बी पैरेंट चेन। ठीक है इफ हम इसको पैरेंट चेन मानते हैं तो इसका नाम रहेगा दो डेकेन, पैरेंट चेन रहेगा दो डेकेन। यहां तक सही है? अब नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट? Just wait for 2 minutes.
I'm asking you one question. Numbering is possible from which side to which side? Number is possible from which side to which side? ठीक है, कहां से कहां पे? राइट टू लेफ्ट। तो नंबरिंग जो है वो राइट टू लेफ्ट हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। अब ये जो है ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहेगा 4-methyl। क्या रहेगा? 4-methyl। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होना चाहिए 4-methyl। ठीक है, अब क्या ये कॉम्प्लेक्स होगा? जो डायरेक्टली अटैच्ड है ये फर्स्ट कार्बन। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसको मैंने बोला एक्स और इसको मैंने बोला वाई। नंबरिंग किसको मेजर सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे? किसको हम लोग मेजर सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे? ओके, नाउ इट्स क्लियर। अभी ठीक है, ओके। लेफ्ट टू राइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आएगा 6, 7, 8, 9, तो आएगा 6 और 9। राइट टू लेफ्ट करेंगे तो यह आएगा 4 और 7। तो पहला नंबर यहाँ पे छोटा है और इसलिए हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके है। तो नंबरिंग जो है वो हम लेफ्ट टू राइट नहीं करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है कि वैसा हो रहा है? ओके है। देखो, इफ हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे?
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो लोकंड होंगे छ और नौ, ठीक है। इफ हम नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे जो होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो फोर और सेवन, ठीक है। तो जिस साइड से नंबरिंग का सेट कम रहेगा हम नंबरिंग भी उसी साइड से ही करेंगे, ओके है, ठीक है। और इसलिए हमने नंबरिंग वहां से किया, इस साइड से नहीं किया, दिया क्लियर। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे नंबरिंग को, ओके। अब इसमें x और y दोनों में से किसको हम लोग मेजर सब्स्टिट्यूट कंसीडर करेंगे, x और y किसको मेजर सब्स्टिट्यूट कंसीडर करेंगे, x को या y को, किसको कंसीडर करेंगे, y को, ठीक है। एनी वन नहीं, क्यों, इफ हम एक्स को कंसिडर करेंगे वन टू थ्री फोर तो इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, और इफ हम वन टू थ्री फोर हम इसको मेजर सब्स्टिट्यूएंट करेंगे तो उसके ऊपर दो चेन प्रेजेंट है, तो जिसके पास नंबर ऑफ चेन ज्यादा पॉसिबल रहेंगे उसी को हम लोग मेजर सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम मेजर सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे y को, ये समझ में आ रहा है, x और y में से y को ही हमने मेजर सब्स्टिट्यूएंट क्यों कंसीडर किया, ये समझ में आ रहा है हमने y को ही मेजर सब्स्टिट्यूएंट क्यों कंसीडर किया, ठीक है। नाउ क्लियर, ठीक है। अब x और y में से हम y को ही मेजर सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, y 1 2 3 4, तो इस मेजर सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, इस मेजर सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा ब्यूटाइल, मेजर सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहेगा ब्यूटाइल, यहां पे ये रहेगा माइनर जिसका नाम रहेगा प्रोपाइल, और यहां पे जो रहेगा वो रहेगा मिथाइल, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 2-methyl, फिर क्या आएगा 1-propyl, और लास्ट में आएगा ब्यूटाइल। सो दिस इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है, 7, तो ये रहेगा 7-, तो इसका नाम रहेगा 2-methyl-1-propyl-ब्यूटाइल। साथ में यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा, मिथाइल। अब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी M से शुरू हो रहा है,
तो अल्फाबेटिकली दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए भाई, बिकॉज दोनों अल्फाबेटिकली एम से ही शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पे हम देखेंगे कि जिसका लोकन कम है, मिथाइल का लोकन का नंबर 2 है, यहाँ पे मिथाइल का लोकन का नंबर 4 है, तो जिसका लोकन का वैल्यू कम रहेगा हम नंबरिंग उसी को देंगे। तो पहले हम उसी को लिखेंगे जिसका नंबरिंग जो रहेगा वो कम रहेगा, देखो ये वाला जो CH3 है ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है, ये जो CH3 है ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट नहीं है, ये वाला CH3 कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए इस CH3 को अलग लिखना होगा। तो हम इस CH3 को कॉम्प्लेक्स में मिक्स नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है, वो सिंपल वाला है, इसलिए, ठीक है। अब ये भी मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, ये मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, और दोनों एम से शुरू होते हैं, और जब दोनों का अल्फाबेट सेम हो उस टाइम के लोकंड को देखेंगे, इसका लोकंड 2 है और इसका लोकंड 4 है, तो जिसका लोकंड पहले आता है वो पहले लिखेंगे और जिसका लोकंड बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, 4 मिथाइल, और लास्ट में आना चाहिए 2 डेके, लास्ट में आना चाहिए 2 डेके, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। So this is the complete nomenclature of this molecule, ठीक है। एक बात और, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बोला था रैंक डिसाइडर क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है,